खाना के फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? एक बार ना फैंस मतलब व्यूअर्स के लिए एक बार प्लीज प्लीज पानी में कूद जाओ। नहीं भैया नहीं प्लीज फैंस नाराज हो जाएंगे, सॉरी व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे आपके, आप नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नैंसी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठी इस फैमिली चैनल में। तो अभी आपने आगे जो फनी वाली क्लिप देखी ना, वो अभी हम लोग शाम को घूमने गए थे। इसी व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, दादी सास मैं मम्मी जी और पिंकी दीदी, हम सभी लोग घूमने गए थे नदी। तो अभी मैं क्या लगा रही हूं, अब आप ये सोच रहे होगे ना, तो ये है फेस पैक और करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, नौमी है तो क्यों ना अपने चेहरे को चमका लिया जाए भाई, बहुत ज़रूरी होता है ना चेहरे को भी चमकाना। तो अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से अपना चेहरा चमकाना, बिना फाउंडेशन बिना क्रीम नेचुरल ब्यूटी चाहिए, तो फेस पैक जरूर लगाया करिए। और मैं कौन फेस पैक लगा रही हूँ चलिए वो दिखा देती हूँ। तो ये है ओरिगेन्स ब्रांड का फेस और हेयर पैक। तो ये फेस और हेयर पैक दोनों के लिए यूज हो सकता है। जो ये नीम लीफ पाउडर आप देख रहे हो, नीम की पत्तियों का पाउडर, वैसे भी आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं उसमें नीम का कितना ज्यादा महत्व होता है आप सभी को पता है। तो इसमें बिल्कुल डरने वाली बात भी नहीं है कि हाँ ये हार्मफुल होगा या ऑयल स्किन टाइप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नीम की पत्तियों का पाउडर है। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। आप चाहो तो एक एक पाउडर भी ले सकते हो, सिंगल एक पाउडर ले लो और उसका घोल बनाओ, मतलब में इसको घोल के फेस पैक जैसा बनाओ। और इसमें सब कुछ यूजेस लिखे हुए हैं कि कैसे यूज करना है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो बस आप एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आराम से पढ़ो। और यहाँ पे अब मैं दूसरा दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज पील पाउडर। तो आप लोगों को पता ही है कि संतरे में भरपूर विटामिन सी होता है और हमारी स्किन को नेचुरली ग्लोई बनाता है, ब्राइट करता है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पिगमेंटेशन को कम करता है, एक्ने को हटाता है और भी बहुत सारी बेनिफिट होते हैं ऑरेंज के। और इसका प्राइस पे मत जाना कि यहाँ पे 247 लेगा तो आपको 247 का ही मिलेगा। जो मैं लिंक दूंगी ना उस पर एक बार आप क्लिक करके देखना, लेना हो चाहे ना लेना हो, पर आप प्राइस देखना, ऑफर चलते रहते हैं तो आप एक पाउडर भी ले सकते हो कोई सा भी। तो यहाँ पे मैं तीसरा दिखा रही हूँ, रोज पेटल पाउडर, मतलब कि गुलाब की पंखुड़ियों के पाउडर। तो भाई गुलाब को तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि गुलाब जल की कितना यूजफुल होता है, गुलाब जल हमारे स्किन के लिए और हमारी स्किन को जो है ये बेस्ट। मैं ये एक बात बताऊँ, ये ना हेयर भी हेयर पैक भी है और फेस पैक भी है, दोनों है और ये केमिकल से बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं आँख बंद करके, पर ये खाने के लिए नहीं है, सिर्फ बाल में और फेस पे लगाने के लिए है। तो चलो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले इसको पैक कैसे बनाना है। तो मैं तो तीनों को एक साथ ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास तीनों है। अगर आपके पास कोई एक है, आप कोई एक ले रहे हो, तो एक ही के साथ इसको पानी से, गुलाब जल से या एलोवेरा जेल से इसको एक अच्छा सा फेस पैक जैसा बना लो। तो ये देखिए मैंने इसमें पहले डाला था नीम का पाउडर, उसके बाद मैंने डाला था इसमें ऑरेंज पील पाउडर और नेक्स्ट ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, यही है रोज़ वाला पाउडर, रोज़ पेटल पाउडर। तो ये तीनों चीज़ को पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, पाउडर फॉर्म में रहेंगे तभी इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं गुलाब जल से, और गुलाब जल थोड़ा कम था तो इसमें मैंने नॉर्मल जो प्लेन वाटर होता है, बहुत ना ठंडा ना बहुत गर्म, एकदम प्लेन वाटर ताज़ा पानी वो मिला के लगा ली। इसको मैं छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए आराम से, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ इसको मम्मी जी को लगाने, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा। 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर रख सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा धो लीजिए। तो चलिए अब जो बचा है उसको मम्मी जी को लगा देते हैं, उसके बाद पिंकी दीदी भी लगा लेंगी। तो बहू चमक जाए और सास को पीछे रखे, ऐसा तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी को भी यही वाला फेस पैक लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी जी का भी व्रत रहेगा करवा चौथ का, और पिंकी दीदी का भी व्रत रहेगा, मेरा भी रहेगा और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आएंगे। और इसके बाद मैं हेयर पैक भी लेकर आऊँगी क्योंकि भाई हमें अपने हेयर का भी बहुत केयर करना चाहिए जैसे फेस का केयर करते। नारी की सुंदरता उसकी जो चेहरा है और उसके बालों से ही तो होती है, तो बाल और चेहरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करिए। बालों को झड़ने से भी बचाइए, डैंड्रफ से भी बचाइए। और बहुत जल्द हेयर केयर पर वीडियो आने वाली, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं और मम्मी जी पता नहीं क्या बातें करते करते हंसी आ गई थी, तो हंस रहे थे और मीठी पीछे देखिए क्या कर रही है। सास बहू का स्किन केयर रूटीन है ये हमारा, और इसी पैक को हम लोग लगाते हैं, ये प्योर एंड नेचुरल है। तो मम्मी जी भी लगा ली है, मैं भी लगा ली हूँ, यही है हमारे करवा चौथ की तैयारी। और थोड़ा सा लगता है गाढ़ा लग गया है, थोड़ा कम और पानी डालना था मुझे तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बट कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद इसको धो लूंगी मैं। और अभी पिंकी दीदी ने लगाई है, क्या बोल रही है? गुलाब जल। हाँ गुलाब जल कम था ना उसमें, ज़्यादा था नहीं, तो जितना था मैंने उतना ही मिलाया, इसलिए थोड़ा सूखा सूखा बना। कोई नहीं, जब दोबारा लगाएंगे दूसरे हफ्ते तो और अच्छे से लगा लेंगे। एक बार आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलो मीठी को दिखाती हूँ कि मीठी क्या कर रही हूं। इसको के साथ दिखा रही हूं मम्मा का। ओ, ये कोई खेलने की चीज है? हाँ। हेलो फ्रेंड्स नहीं बोल रही हो आज? नहीं अभी मैं खेल रही हूं, ना खाना बना रही हूं। अच्छा देख रहे हो इनको? हाँ देख रहे हो?
हमारे डब्बों के साथ खेला जा रहा है कुछ इस तरह से। तो चलो अब मैं कपड़े धो लेती हूँ और मम्मी जी आलू और प्याज की भुंजिया बना रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। जब तक सुनी थी पूरी रेसिपी दिखाते, बहुत अच्छी बनी है, मस्त लगी देखने में, टेस्टी। देखो मम्मी जी किस तरह से दिखा होने की वजह से मम्मी जी इस तरह दिखा रही हैं, वरना मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाती। आलू प्याज की सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है जब मम्मी जी बनाती। मसाला पीस के नहीं बनाई क्या मम्मी जी? आज भुंजिया जैसे बनाई है ना, पर कोई नहीं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो सारी हूँ कपड़े धोने और 11 बज रहा होगा समथिंग, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी, गर्मा गर्म पराठे आलू प्याज की भुंजिया। यही है हमारे आज का लंच, क्योंकि 12 बज जाएगा मुझे खाते खाते और बनाते बनाते। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये देखो फेस को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और मैं ना जल्दी जल्दी में दिखाना ही भूल गई थी, मतलब मैं जरा सिंदूर लगाई, बिंदी लगाई और चेहरे पे मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया है। और आप देख रहे हो कि हाथ में आटा लगा। तो मैं फटाफट से किचन में आ गई, कपड़े धोने बहुत टाइम लग गया, फिर फटाफट से मैं किचन में आई हूँ और उसके बाद मैंने आटा मारा है और मेरी जो रोटियाँ हैं वो बन गई हैं। इधर थोड़ा सा मुझे पूड़ी खाने की इच्छा हो रही थी, मतलब पूड़ी खाने की इच्छा, थोड़ा सा नहीं, पूड़ी खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ी भी बना लेते हैं गर्मा गर्म, क्योंकि जो आलू प्याज की भुंजिया है ना वो पूड़ी के साथ काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि कसम से बड़ा गजब का है। और मम्मी जी का भी चेहरा काफ़ी अच्छा लगने लगा और मेरा भी, तो देख सकते हो आप। अगर पिंपल्स वगैरह हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप ये तो पहले से ही था, आजकल पता नहीं क्यों ये हो गया है, गर्मी की वजह से है लगता है, पिंपल्स नहीं है पर ऐसे गर्मी की वजह से ऊपर सा गया दाने जैसा। तो चलो ठीक है, मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ, मेरी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी होगी, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो फटाफट से हम लोग दोपहर का खाना खाए और आ गए हैं, मतलब घूमने, ऐसे ही थोड़ा सा घूमने बस आए हैं, दोपहर का टाइम था। ये मीठी की क्लिप है, मीठी लगाई नहीं, वो देखो पिंकी दीदी आगे आगे जा रही हैं, बाकी सब पीछे हैं। हाँ तो दोपहर हो गया था, तो फिर मम्मी जी ने कहा चलो घूम के आते हैं कहीं, तो बस वहीं ऐसे घूमने निकले हैं, राउंड पे निकले हैं। जिस जगह हम लोग जा रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह है और घर के बिल्कुल पास में है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हरियाली ही हरियाली होती है। हाँ, क्योंकि हम ऐसे जगह पे ही रहते हैं, मध्य प्रदेश जंगलों का, क्या बोलते हैं, जंगलों का केंद्र है मध्य प्रदेश। ये देखो पीछे, बहुत पीछे घर चला गया है, दिख भी नहीं रहा है, इतना पीछे चला गया है। तो चलो अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं पिंकी दीदी की शादी में। बहुत सारी जो पिक क्लिक हुई थी ना, तो उसमें जो सेलेक्ट करना होता है उसी काम को करने, यहाँ पे बहुत सारी सगाई से लेके मेहंदी हल्दी शादी सब चीज़ की पिक्स थी। तो यहाँ पे पिंकी दीदी सेलेक्ट करवाने आई थी एल्बम के लिए। और हाँ, उनके ससुराल में अलग से वीडियो और कैसेट वगैरह जो होता है वो सब बन रहा है, पर यहाँ पर हम लोग अपने, मतलब मायके की साइड जो नहीं होता है, लड़की के मायके की साइड की जो एल्बम होती वही यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ सेलेक्ट करनी थी। तो यही करते करते यार हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे दोपहर से पूरी शाम निकल गई। तो ये देखो सनसेट का टाइम हो गया था जब हम लोग नदी की ओर जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे गाना चल रहा है भक्ति सॉन्ग। वाओ देखो मंदिर आ गई है, देखो नीचे मंदिर दिख रही है, अभी दिखाती हूँ, देखो बैक कैमरे से दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से दिखेगा। यही आए थे हम लोग घूमने, दोपहर से निकले और शाम इतना हो गई। अच्छा लगता है ना जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओ तो मज़ा दुगना हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो एकदम ढलांग है, पहाड़ के नीचे मंदिर है, तो मीठी कैसे दौड़ते हुए जा रही है। और यहाँ मेरी नज़र बार बार सनसेट पे ही जा रही थी, क्योंकि वो पहाड़ के नीचे छिप रहा था। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि ओरिजिनल जो होता है वो तो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होता है, और एकदम रियलिटी टाइप से नहीं दिखता। जो मैं आँखों से देख रही थी ना वो वाला सीन, तो वो वहीं पर खूबसूरत लग रहा था, अभी कैमरे में उतना खास नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये है संतोष उसी माता का मंदिर, जो कि घर के बिल्कुल पास में ही है, पैदल पैदल भी हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सुकून था, बहुत ही ज़्यादा शांति थी। ठंडी के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि नदी के किनारे है ये मंदिर, पर अभी तो मौसम बहुत अच्छा था तो इतना ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं लग रही थी। और मीठी को काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह घूमने में। ये देखो आ गए हैं हम लोग मंदिर, और अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग खट्टा वट्टा खाए हैं, पहली बात ताला बंद है और दूसरी बात खट्टा खाए हैं, और ये संतोषी माता का मंदिर है तो अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। और मेरी साड़ी को बिल्कुल नोटिस मत करना यार, बहुत बुरी तरीके से मैं पहनी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बस पिंकी मैं नहीं आया था, पिंकी दीदी बोली नहीं आपको चलना पड़ेगा फोटो देखने। हाँ पिंकी दीदी को याद है कि हम लोग आए थे, हम लोग ने बहुत सारे टिकटॉक लाइक वगैरह की वीडियो बनाई, और मुझे तो सॉन्ग भी याद है वो, मैं चली देखो प्यार की गली, और वो उसके एक दो महीने बाद ही चली भी गई थी ससुराल, शादी हो गई थी इनकी। तो यहाँ से काफी प्यारा सनसेट देख, तो प्यारा दिख रही था, दिखाओ इधर इधर इधर, वो तो दिखाना है, वो है ना सरप्राइज, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था कि हम लोग आ कहाँ रहे हैं। और सोचो घर के कितने पास में नजदीक में ये जगह है, और अभी इसको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो जिस जगह हम रहते हैं नेशनल हाईवे के मतलब रोड पे जहाँ पे हमारा घर है उसकी चारों तरफ बहुत सारे गांव हैं, तो उसी में से ये भी एक गांव है जहाँ पे संतोषी माता मंदिर है। तो काफ़ी मुझे ऐसे व्यू बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे पेड़ पहाड़ नदी हो। तो पिंकी दीदी कह रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए आपको ऐसे ही ससुराल मिला है जहाँ पे पेड़ पहाड़ नदी आपको हमेशा देखने को मिले। तो सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह पर आके, तो आप लोग भी इंजॉय करो। और यहाँ पे दादी हैं, तो दादी बुआ से बात करने लगी थी, बुआ का फोन आ गया था। मम्मी जी, अब आप बताइए पानी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ से। पहाड़ से रिस के इतना सारा पानी आ रहा है कि कोई नदी है? ये तो डैम का पानी है, ये आ रहा पहाड़ का पानी, पीने का पानी। अच्छा, वो जो रिस रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी अच्छे से दिखाती हूँ। पहाड़ का पानी है आ रहा है ये सब ना, ये पीने का पानी। मुझे नाली का पानी तो नहीं लग रहा है। नाली का पानी नहीं है, पहाड़ का पानी आ रहा है। सब लोग पीते हैं। अम्मा दादी हूँ, अम्मा दादी, अम्मा दादी। कौन? ओहो, अम्मा दादी हो? बच्चों, दादी बच्चे। हाँ, कौन दादी है, कौन बच्चे हैं? पानी पीने, देखो पहाड़ से जो पानी निकल रहा है। ये जो नाली जैसा बना हुआ है, ये पहाड़ से पानी दिख रहा है। हाय करो, और भी जाना था क्या? चलो अब ये देखो इतना भयानक है, फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना। एक बार ना फैंस मतलब व्यूअर्स के लिए एक बार प्लीज प्लीज पानी में कूद जाओ। नहीं भैया, नहीं कर सकते। नहीं प्लीज, फैंस नाराज हो जाएंगे, सॉरी व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। तो सुन लिया आपने पिंकी दीदी की बातें। और उसके बाद मीठी ना वहाँ पे नहाने लग गई थी, बोली बच्चे नहा रहे मुझे नहाना, बहुत जिद करी। तो फिर मम्मी जी ने इसको भी कहा कि चलो अच्छा जाओ, फिर कपड़े वगैरह उतार दिए। तो मम्मी जी ने फिर ये नहाई और उसके बाद जितने भी यहाँ पे भगवान जी थे सबके इसने दर्शन किए, सबके इसने आशीर्वाद लिए। देखो कैसे मत्था टेक रही है, इसको बताना ही नहीं पड़ता है कुछ, ये खुद से सब कुछ करती रहती है और खुद से ही बोलती है जो कुछ। चलते हैं घर की ओर, मम्मी जी लोग आगे हैं, पिंकी दीदी पीछे हैं। पीछे देखो नदी चली गई है पीछे। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब है पास में ही है पर ज़्यादा दिन बहुत दिन हो जाता है हम लोग को यहाँ आने में, सोचना पड़ता है कहीं निकलने से पहले। ये देखो दोस्तों, मैं आ गई। और ये पहाड़ देख लो, ये रोड गई है, ये काफ़ी ऊपर तक गई है, उतरने में बहुत अच्छा लगा है ना पिंकी दीदी। चलो चलते हैं। देखो हम लोग ये पहाड़ जैसा जो था चढ़ के आ गए हैं। मम्मी जी यहीं रेस्ट करने लगी थी, बैठ गई थी। और जो ये गांव वाले हैं ना, मतलब इतना ऊपर है ये, तो यहाँ पे पानी तो आता नहीं होगा ऊपर चढ़ के, तो नदी में ही जाते हैं ये लोग पानी वगैरह लेने। और सच में वो पत्थरों से ही निकलने वाला पानी था क्योंकि ये लोग पीते हैं। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग ये पानी लेके जा रहे हो, तो बोल रहे हैं साफ़ पानी है, पत्थरों से निकलने वाला प्योर शुद्ध पानी जो होता है वही है ये, प्योर प्योर इलाहाबाद में बोलते हैं। तो ये प्योर पानी लेके आ रहे हैं। देखो मूर्तियाँ रखी हुई हैं और मतलब दुर्गा जी की हर जगह पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी देखो गाना बज रहा है, सजावट की गई है। कुछ दिख तो रहा नहीं है पर वहाँ पे भी सजावट की गई है, जगह जगह पे की गई है इसी तरीके से सजावट। अब मैं घर जाके आप लोगों से बात करूँगी, यहाँ से घर 1 किलोमीटर दूर तो हो गई, रोड पर घर है और ये अंदर गाँव है। तो चलो चलते हैं घर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साड़ी क्यों चेंज कर दी, मैंने पीली वाली पहनी थी, तो मैंने अभी पिंक वाली पहन ली है ये वाली। और मैं फटाफट से पहनी हूँ क्योंकि आरती होने वाली है, जहाँ मैंने आप लोगों को दिखा था जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, दुर्गा माता आई हुई हैं। तो ये देखो 8:30 बज गए हैं और मुझे पता था, मुझे क्योंकि मैं बोली थी कल भी कि मैं जो बचे हुए लोग हैं उनका नाम आज लूँगी, तो मैंने सोचा कि पहले नाम ले लेते क्योंकि भाई जब मैंने बोला है वादा किया है तो मुझे नाम लेना ही चाहिए। तो जितने लोगों का कल नाम बच गया था हड़बड़ी में ले रही हूँ, अगर कुछ नाम छूट भी जाता है तो फिर से कल ले लूँगी। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे एक बार फिर से बता दीजिएगा कि मेरा भी नाम ले लो तो मैं ज़रूर ले लूँगी। तो आज मैं लूँगी किरण वर्मा जी का नाम क्योंकि ये सच में बहुत अच्छी हैं और हमेशा कमेंट करती हैं मुझे। और एक सागर मेहरोत्रा मतलब उनके हस्बैंड की आईडी है और वो मुझे और उनकी वाइफ का नाम गौरी है जो कि मेरा रोज़ व्लॉग देखती पर अभी तक कमेंट नहीं करती थी, तो अब वो कमेंट की हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, जिन्हें लिखने नहीं आता वो हार्ट भेजा करो, रोज़ रोज़ हार्ट आएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ हार्ट आ रहा है, मतलब कि आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी होगा, तो इसलिए हार्ट दे दिया करो, मैं समझ जाऊँगी। और उसके बाद भावना सिंगल जी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और हमेशा मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हैं चंदन पटवा, उनके हस्बैंड का नाम है और उनका नाम है
श्वेता, हाँ तो श्वेता जी थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो। और एक हैं उर्वशी अग्रवाल, ये भी कमेंट नहीं करती थी पर इन्होंने कल कमेंट किया, ये रोज़ व्लॉग देखती थी। वही तो मैं सोचती हूँ यार, 280 लोग 300 लोग अगर रोज़ वॉच करते हैं तो कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट भी किया करो, निगेटिव कमेंट वाले करना नहीं भूलते, आप लोग भूल जाते हो। तो यहाँ पे उर्वशी अग्रवाल जी हैं जो कि हमेशा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, और जैसे मैंने बताया तो यही कुछ 4-5 नाम थे जो मुझे अभी याद आ रहे हैं रिसेंटली, तो मैंने ले लिए। मैं कल और लोगों के नाम लूँगी, और अब मैं जा रही हूँ पूजा में, जहाँ पंडित जी की आवाज़ आ रही वहीं मैं जा रही हूँ। और कल वाले ब्लॉग में मैं आपको मैया के भी दर्शन करा दूँगी, आज नहीं करा पाऊँगी, आज काफ़ी कुछ हो गया था दिखाने को तो ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो आज मैं जा रही हूँ, और ये वाला जो जाने वाला ब्लॉग है आपको कल देखने को मिलेगा। मम्मी जी भी तैयार होकर खड़ी हैं दरवाजे पर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।